जी ये बहुत डिलेड तो हुआ, लेकिन हाँ गनीमत यह है कि डिनाइड नहीं है, जस्टिस डिलेड है लेकिन डिनाइड नहीं है। इतने साल के बाद हमारी कानूनी प्रक्रिया भी कुछ ऐसी है कि दाव उसमें ऐसे खमोपेश होते रहते हैं कि उसके हिसाब से चलना पड़ता है। 24 साल के बाद ये आया तो कम से कम ऐसा हुआ कि सारे लोगों को सजा सुना दी गई, एक बरी किया गया। और अबू सलेम के मामले में भी समस्या ये थी कि अबू सलेम पुर्तगाल में था और प्रत्यर्पण संधि के तहत उसको 2005 में प्रत्यर्पित किया गया, और उस संधि में यह है कि जिस आदमी का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है वो उस आदमी ने वो क्राइम किया हो जो दोनों देशों में क्राइम है, और वो कोई पॉलिटिकल क्राइम ना हो, और उस क्राइम की जो मैक्सिमम सजा जिस देश से मांगा जा रहा है प्रत्यर्पण उसमें जो हो उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी के तहत उनको 25 साल का अबू सलेम को 25 साल की कैद सुनाई गई है। ठीक है।